महर्षा अभिगम मतलब क्या? अनात्मा के समान वो कितने होते हैं? पहला, पहला पहला हाँ शरीर का त्याग, मतलब कच्चा पानी, कच्ची सब्जी, भोली, ये सब नहीं पहला। मुझे अजीत का विवेक, मतलब क्या महर्षा? टोपी, मुकुट, माला, ये सब नहीं पहनना। टीचर अंजलि कॉलोन, मतलब क्या महर्षा? दूसरे माता जी के तो उनको प्रणाम करना, छोटा मुखवटी को दूसरे मतलब क्या महर्षा? माता जी के तो उसको हाँ मैं सबसे मुखवटी लगा के बात करना। पांचवा हाँ एक ही पांचवा मन की एकाग्रता, मतलब क्या महर्षा? मैं तो पत्रों से सुनना करनी सभी जन का सभी गुण का पालन करना। जय जिनेन्द्र। है जो मैंने बचपन में सुनी थी, हम पांच अभिगम धार आएंगे स्थानक में, हम पांच अभिगम धार आएंगे स्थानक में, आएंगे भैया आएंगे, धार अभिगम आएंगे, शुद्ध श्रावक का आचार आएंगे स्थानक में, शुद्ध श्रावक का आचार आएंगे स्थानक में, हम पांच अभिगम धार आएंगे स्थानक में। सचित द्रव्य जो साथ है, से घड़ी जो हाथ है, हम रख देंगे किनारे, आएंगे हम स्थानक में। अचित द्रव्य जो साथ है, पगड़ी छाता हाथ है, रख दरवाजे के बाहर, आएंगे स्थानक में। मुख से वचन उच्चार हो, मुंह पर तीखा श्रृंगार हो, है जैनों की पहचान, आएंगे हम स्थानक में। साधु संत कहना हो, नित दर्शन को जाना हो, सिर झुक जाए तत्काल, आएंगे हम स्थानक में। गुरु उपदेश जो फरमावे, मन सुनने में लग जावे, गुरु का संदेश आएंगे स्थानक में, हम पांच अभिगम धार आएंगे स्थानक में। तो पांच अभिगम कौन से? सचित का है, अचित का विवेक, उत्तरासन, अंजलि करम, मन की एकाग्रता, क्यों
सचित्ता त्याग यानी क्या? बाड़ी पाला मोबाई बच्चा पानी बासा को नहीं लेके जाना। अचित का विवेक यानी क्या? चाबी उत्तरासन यानी क्या? बिना रुमाल के भूपति के नहीं जाते, बिना भूपति के रुमाल के नहीं बात करना। अंजलि करण यानी क्या? साधु मन की एकाग्रता यानी क्या? मन की एकाग्रता माला करना, सुबह शाम स्वाध्याय करना। कर्म नाम करना यानी कि अच्छे पूरे शरीर की रचना करता है, जैसे कि किसी का बुरा शरीर बना दिया तो किसी का अच्छा। सातवां है गोत्र कर्म, किसी को अमेरिकी घर पैदा किया तो किसी को गरीब के घर। ये गोत्र कर्म कहीं भी पहुंचा देता है एक शरीर।